अभी हम जंगलों में जा रहे हैं, चिरोद हमें जंगलों में ले आया। ऐसा वेदर हो और लगता है जैसे हम वो रॉन्ग टर्न मूवी वाला लॉन्ग टर्न लेके इस तरफ आ गए हम। है अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है, लाहौर के अंदर 12 सेंटीग्रेड चल रहा है, बारिश का मौसम हुआ है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, साथ बारिश ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, हल्की हल्की हो रही है। तो अभी मैं हूँ रिंग रोड पे शरोज की तरफ जा रहा हूँ। तो आज का प्लान ऐसे है कि वहाँ पर जाके एक रिव्यू शूट करना है अगर बारिश ना हो रही होगी। तो उसके अलावा ये है कि हमने एक दोस्त है जो लेंट्रा वाले व्लॉग में हमने देखा था, उसके पास जाना है गुजरा वाले, तो वहाँ पर जाके कोई एक दो काम है वो करने हैं। तो अच्छा जी, तो बैरिया आ गया हूँ, बारिश हो रही है लेकिन फिर भी हम बारिश के अंदर ट्राई करते हैं। गाड़ी हमने ले लिया पराडो, इसका रिव्यू करना है, ये 2013 का मॉडल है। तो शरोज भाई भी हमने ज्वाइन कर लिया, शरोज साहब ने तो बारिश के अंदर जौन सा ना इसको सुकून नहीं आया, कह रहा था बारिश में ही आ जा। तो अभी हमने इसको शेड के नीचे लगाया, तो इसको भी जल्दी से इसका शूट करते हैं और उसके बाद फिर हमने गुजरांवाला के लिए निकलना है। भाजी भाजी भाई क्या कर रहे हैं भाई? काम कर रहे हैं जी, काम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। लोगों के सामने इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, मौसम देखें, बारिश हो रही है और वैसे तो मौसम बड़ा खुशगवार है लेकिन इस तरह के कामों की थोड़ा सा मुश्किल मौसम है ज़रा। अच्छा जी, बारिश के अंदर हमने रिव्यू शूट कर लिया, चैन नहीं आया शरोज को ना, तो अभी जो है ना ये अब रिव्यू शूट करने के बाद ऐसा है कि अभी हम निकलेंगे किधर? गुजरांवाला। गुजरांवाला तो गुजरांवाले से मैं खिला क्या रहा था, पहले ये बता। सरप्राइज अच्छा चलें जी, ये देखते हैं हमें जाके वहाँ पे क्या सरप्राइज देता है, सरप्राइज मदरफकर देते हैं। होपफुली वहाँ पे जाके खाने को भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो एक और अपडेट ऐसे है कि जो व्लॉग में हमने आईफोन दिखाया था आपको, वो आईफोन को हमने पीटीए अप्रूव कराने की नाकाम कोशिश की है, पीटीए के टैक्स बढ़ गए हैं। तो पहले हमें PSID जो आई है वो 37,000 की आई, अभी टैक्स हो चुका है 78,000 रुपीज़। तो ऐसा है कि अभी देखते हैं कि उसको पीटीए करवाते हैं कि उसको वैसे ही यूज़ करते हैं। मोटरवे से हम नीचे उतर गए हैं और यहाँ पे भी हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे तो वेदर कंडीशंस ख़राब थी, यहाँ पे रोड्स की कंडीशंस ख़राब हैं। तो मोटरवे से उतरने के बाद पहली बार मैं इस गाड़ी को इस तरह किसी रोड पे लेके आया हूँ। तो इसमें अभी ना हवा टायर प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा है, 36 है। तो उनके जो साइड पर स्टीकर लगा होता है उसके हिसाब से मैंने किया हुआ था, लेकिन गलत किया हुआ था, वो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था सिर्फ। तभी ऐसा कि कोई हवा वाला आता है तो इसकी जो हवाएँ हैं वो वापस औकात पर ले आते हैं 30-30, क्योंकि ये जापान में नहीं चल रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही रक्शे और बुरे हाल ट्रक हर चीज़ यहाँ पे ही चल रहे हैं, ऊपर से खड्डों के साथ। वो एक अच्छा क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन बन गया गाड़ी का, डेडली कॉम्बिनेशन है। तब इसकी हवाएं कम करवा के देखते हैं। आए शॉप पे आए हैं रास्ते में, तो आप ये चेक करें, ये अभी 30-30 करवाएंगे, 30 PSI। ये टायर प्रेशर इसका कम कराने के बाद थोड़ा सा गाड़ी सॉफ्ट हो गई है, पहले तो ऐसे उछल रही थी जैसे साइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं। वैसे भी भजन गाड़ी आप ही कर जा गया, वो क्योंकि रुलते गए हैं पर सजना चस बड़ी आई है। ये चस नहीं आई है हमारे, ये समझ ले खड्डे दिल में लग रहे हैं, मेरे दिल में लग रहे हैं खड्डे। इधर तो करोला जैसी गाड़ी होनी चाहिए जिसको कोई परवाह नहीं है, रफ एंड टफ जैसे वो देखे ना आपने पराठो वाला किधर से ले गया गाड़ी। अच्छा जी, वी आर फाइनली गुजरांवाला और ये और अल्हम्दुलिल्लाह और ये हमारे साथ रजा भाई बैठे हुए हैं जो हमारे एलेंट्रा जिनके लिए बुक करवाने गए थे हम। वो वाला व्लॉग जो आपने देखा होगा तो उसमें आपको ये भाई मिले होंगे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई जी, और आज भी नहीं लगाई। और आज भी नहीं लगाई, कहने का मकसद यही था आपको कि आप समझदार ही हैं। ये लंदन से आके भी भाई को जो है रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बताने पड़ते हैं यार, ये जब ऐसे लोग ये करेंगे तो फिर
फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? इमरान खान साहब क्या मेरे सीट बेल्ट लाया था पहले पाकिस्तान तरक्की कर रहे थे बड़े लाल ये भाई को इमरान खान इतने पसंद है तो ये लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ गए। जिसने कहा था ना वहाँ से कारोबार बेच के पाकिस्तान आ जाए तो ये भाई भी लंदन से सारा कुछ छोड़ छाड़ के बेच बाज के कश्तियां जला के वापस आ चुके हैं और अब वो कश्ती इस पानी में चला रही है। तो वो कश्ती जो इस चुल्लू पर पानी में चलाई गई है। तो अभी अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? ये अभी हम जा रहे हैं जी सिटी हाउस से के आ रहे हैं और आज हम ये गाड़ी जो कि वाजी साहब की बड़ी फरमाइश थी अच्छा उसका आज हम ये क्रोला 2000 मॉडल है उसका हम रिव्यू बनाएंगे ठीक है और उम्मीद है जो आपको बड़ा पसंद आएगा। और हम इतनी बारिश में उससे पहले काम की बात करें उससे पहले हम खाएंगे क्या ये बताएं आप? नहीं, नहीं, खाना तो होगा जी खाना खाने के बगैर तो काम नहीं हो सकता। हाँ, ये अगली बात हम बाद में सोचेंगे। आज हम जो है वो दोपहर का खाना जो है ना वो गुजरांवाला के बड़ी मशहूर एक जगह है अल मशहूर अब्दुल गनी की जो गोश्त की मछली है अच्छा वो आज जो है वो जनाब नोश फरमाई जाएंगी। गोश्त की मछलियां के पानी ली मछलियां क्योंकि मुझे जो सजेस्ट किया है वो बड़ी साहब ने किया है चाहे वो रहते लाहौर में रहते हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि कमाल है। मैं खुद गुजरा वाला काम रहता हूँ ना। अच्छा 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 हाँ एज यू इंट्रोड्यूस आई केम फ्रॉम लंदन या द स्वीट थिंग दैट वी हियर इन द मॉर्निंग द लदरी ये थोड़ा राउंड अबाउट बिजी है इधर वो वाली हरकत नहीं कर सकते भाई पीछे देख के मैं कर रहा हूँ भाई मेरे पास 3-4 लाइसेंसेज हैं सारे एक्सपायर है। नहीं नहीं अब तो है वैलिड है सारे कटिंग कराने ले यार नहीं ये आ गया ना हाजी अब्दुल गनी सही सही पाए वाला अच्छा ओ माय गॉड ये आ गया दोपहर का खाना काली काली मिर्च वाली छोटे गोश्त की मछली लिखे अच्छा अच्छा जी हां इधर लाओ इन्हीं रे किधर चले किधर छपड़े गड्डी लाने लगे आई एम जस्ट गेटिंग टू गिव हिम अ हॉर्न एंड यू नो थिंग हाय हाउ आर यू मोटे ये है वो मशहूर मटन मछली जो शरू साहब को लाहौर में चैन भी लेंगे वहाँ से गुजरा में बारिश में लेके आ गए ठीक है। इसमें बता मतलब ये विच काइंड ऑफ मछली दिस इज ये बेसिकली मटन की दस्ती का गोश्त होता है ये अच्छा उसमें से ये बनता है टेस्ट करके बताओ कैसा है। एक्टिंग नहीं करनी सही था सर ये एक्टिंग बड़ी करता ये बेसिकली इन्होंने काली मिर्च भी बनाया हुआ है अच्छा टेस्ट इसका अच्छा है वैसे इसका ये शोरबा है ये जिस तरह पाए या कुंदा का शोरबा होता है तकरीबन उस तरह का ही है ठीक है और फीका है मतलब थोड़ा काली मिर्च टाइप जिस तरह काली मिर्च वाला जायका है ना इसके अंदर फीका नहीं है बिल्कुल और स्पाइसी भी नहीं है। शुभाष टिक्का खाया था लेकिन ये तो नहीं अच्छा नहीं किया हमारे साथ। अच्छा ये भाई की बात सच थी कि अगर इसने गुजरांवाला रह के नहीं ना खाया इसका मतलब ये मशहूर नहीं है। ये लाहौर से आके मशहूर करा दिया इसने है दो नंबर ही कर रहे हैं। अच्छा जी बात ऐसी है कि 2400 रुपए का बिल बना है ठीक है लस्सी डाल के और दो वो मछलियों वाली प्लेटें से डाल के जीरो वैल्यू टू मनी टेस्ट भी जो सा 10 out of 4 4 भी नहीं 3 मेरा बल्कि अब दिल खराब हो रहा है ऊपर से लस्सी पी लिया मैंने मीठी वैसे कोई मुझे ज्यादा ही लग रही है वो अच्छा जी पहले वो जो फजूल सी में वो मसाला ले आया है भाई थोड़ा वो मछली खिलाई है ना फिरोज ने तो अब उसके हम रिप्लेसमेंट में ये खा रहे हैं खा रहे हैं कंपनसेशन रिप्लेसमेंट में नहीं कह ले पहले डिटेल बताएं पहले डिटेल बताएं मैं स्पेशलिटी क्या है
मुझे भी नहीं चावल था मोटी अच्छा तो ये होता है बस सिंपल ये डिफरेंट है। सरोज ने तो खा लिया ना वहाँ पे मछली, अब इसने तो खानी नहीं है। अच्छा जी और लेग पीस जीटी रोड बाईपास के ऊपर आती है, बाईपास वाला रोड है। जो इसके साथ ये रायता दिया ना ये बहुत फ्रेश है, ये मजेदार है। ऊपर जो चिकन का पीस है ये काफी ज्यादा मजेदार है। इस पे आप मसाला डालें सब्जी की तरह और इसको खा लें गर्मा गर्म। अच्छा जी फाइनली हमें जलेबियाँ मिल गई हैं, गरम गरम जलेबियाँ जैसे आपको दिखाई हैं अभी हमने। मज़ेदार है ये। लदा की रिकमेंडेशन में शर ठीक रही है, पर सरोज की रिकमेंडेशन जो थी ना फारग हो गई है। बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, थैंक यू दादा भाई आपने आज टाइम निकाला। सियालकोटिया रसगुल्ले खाने हाँ सामने 100 रुपये ही फर्क रहा देखो तो दादा भाई को जाते हुए हमने एक तोहफा दिया है ये शॉपर का प्लीज़ सर यहाँ इसको अब आराम से डस्टबिन में डाल दीजिएगा। देख सकते हैं कि मैंने कैसे इनकी खातिर मदारत की है। हाँ जी उस तोहफे में ये फटे हुए फिल्टर जो है ये जो कागज है ये मुझे मिल रहे हैं तो इतना मैं हमारी आप देखें कि हमारे हमें खुदा ने कितना बड़ा दिल दिया है, हमने उनको भी उठा के सीने से लगाया। ओह माय गॉड सारी डाइटिंग जो सी आज वो तेल लेने चली गई है। आज जो सा बहुत ज्यादा चीट मिल की है तो पेट जो सा ना गुड़गुड़ ना करना शुरू हो जाए क्योंकि मैंने बड़े अरसे से मीठा शीठा और इस तरह की चीज़ें बंद की हुई थी। तो देखते हैं अभी कि पेट साथ देता कि नहीं देता। तो फाइनली पूरा दिन बारिश के अंदर खबर खज्जल खुआरी करने के बाद खब्बल खुआरी करके ना घर आ गए हैं। तो ये हालात देख लें आप कि थक गए हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इस टाइम ना नींद आई हुई है और टांगों में दर्द हो रहा है, खलियाँ पड़ गई हैं पूरी बैठ बैठ के, एक सुबह लेग की एक्सरसाइज की थी। तो आई होप तो आपको आज की वीडियोज़ पसंद आई हैं, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।